पटना के खुसरूपुर में प्रेम यूथ फाउंडेशन की ओर से मॉब लिंचिंग को लेकर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उच्च विद्यालय खुसरूपुर के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कहा कि भीड़ की हिस्सा बनने से लोगों को बचना चाहिए। भीड़ के पास न दिल होता है न दिमाग, वह बहकावे में आकर हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देता है। आए दिन असामाजिक तत्वों के उकसावे पर भीड़ बेकाबू हो जाती है और उतारू हो जाती है मॉब लिंचिंग करने पर। शामिल लोगों को आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त एवं अपराधी छवि के लोगों का बहिष्कार करें। भीड़ के पास कोई नेतृत्व या उद्देश्य नहीं होता। मॉब लिंचिंग किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधियों से साठगांठ रखने वाले पुलिस कर्मी भी जेल जा रहे हैं। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद प्रकाश ने कहा कि भीड़ कभी कोई सार्थक कदम नहीं उठा सकती। भीड़ हमेशा विध्वंसक कार्यों के लिए एकत्र होती है, क्षण भर में गलत कार्य कर बैठती है, उसका फल जीवन भर हमें भुगतना पड़ता है। थानाध्यक्ष ज्योति कुमार बसु ने कहा कि कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति संदिग्ध लगे तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस प्रशासन को देनी चाहिए। शराब तस्करी और मॉब लिंचिंग पर मौके पर कई वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया तथा जागरूकता की अपील की। दिलीप कुमार नवल, एनसीसी के टीम शिवेंद्र कुमार झा, आशीष आनंद, देवकांत प्रसाद, लक्ष्मी विष्णु नारायण चौबे, आराम यत्न यादव, अवनीश कुमार पांडे, अनुज कुमार भगवान यादव, कार्यक्रम के अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र देव यादव ने किया। धन्यवाद ज्ञापन अभिलाषा ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हमारे सामान्य व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया। देखे हो ना, महाभारत में जो राक्षस होते थे या जो रामायण में राक्षस होते थे कैसे दिखते थे? लंबे लंबे, बड़े बड़े, किसी का दांत इतना बड़ा, किसी का बाल इतना बड़ा, किसी का नाखून इतना बड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ यही मतलब है कि उसका शरीर बढ़ गया, दिमाग कहाँ चला गया? खत्म होते गया। जिस चीज का यूज नहीं करो वो खत्म होते जाता है, पता है ना? इंसान को पहले किसी जमाने में जब इंसान डेवलप किया, जैसे पता नहीं बायोलॉजी में यहाँ एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाता है, एस्ट्रोलॉजिथेक्स रामाथेक्स सब तो नहीं पढ़ाया जाता होगा। अभी इंसान का जो एवोल्यूशन हुआ, ये चलो ये तो बताया गया कि इंसान पहले बंदर जैसा था, बंदर नहीं था, बंदर जैसा था। yes, इसीलिए बंदर को देख करके लोग प्रणाम करते हैं कि भाई मेरे, तुम मेरे पूर्वज हो। ऐसा है ना दिमाग में? yes, हमारा जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ आज से 7 लाख 8 लाख 20 लाख साल पहले, उस समय हमारा जो पहला आदि मानव था उसका नाम था लेमूर, मतलब इट वॉज लाइक अ मंकी। वहां तीन तरह की, उस जमाने में तीन तरह का रेस होता था। एक चिंपांजी, जानते हो